गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, बस अब बच्चों को रेडी किया है। ओहो, घटा रही है, रिक्शा वाले आने वाले हैं। तो गाइस, घटा हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। एक हफ्ते की छुट्टी है, बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है। देखो कहाँ बैठा है, लाइन आ रही है। तो गाइस, ऐसा होता है जब कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा रही ना छुट्टी, तो गाइस मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है इनको वो करने में, क्योंकि कुछ थोड़ा आदत हो जाती है ना छुट्टियों की, देर से उठने की, वो करने की। तो खैर, आज तो नहीं लाजमी बिल्कुल जाना था, क्योंकि टेस्ट है इनका वो, तो फिर तो मैं वो नहीं करती हूँ। लेकिन अगर जो टेस्ट ना होता ना, ये बिल्कुल ना जाते। लेकिन आज मैंने कहा जाओ, खैर वो तो जाए ना, अपने बच्चों को अपना आपसे ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो बार बार कह रहे हैं कि मम्मा उठ जाना, ये है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल एकदम उठूँगी। तो गाय चलिए, थोड़ा इन्हें स्कूल भेजने के बाद, रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, अब मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ रिक्शे वाले भैया का। पता नहीं आएंगे भी या नहीं, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। और मुझे तो आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वीकली टेस्ट है, जाना पड़ेगा ही। और भैया का टाइम भी हो गया, कावड़ ब्रेक के बाद इतने दिनों बाद मैं भूल ना गए हूँ, कैसे करेंगे हम, ये भी बेचारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे तो बहुत वो लग रहा है, कभी वो आए ना हमारे स्कूल छुट जाए। तो आएगा, चलो मैं जिम्मे हो तो ही अब बता देगा। वो बता रही है कि आएगा फोन शायद मंडे में, किसी ने, तुम्हारी फ्रेंड है ना, उन्होंने कॉल की है कि मैंने मंडे में की थी, अब तो लग नहीं रही। मैंने इतना कॉल कर लिया, दो दो नंबर से कॉल कर चुकी, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। अब देखते हैं, नहीं आएगा तो पापा छोड़ के आएंगे, फिर मैं लेके आऊँगी। लेकिन बस आ जाए तो बहुत अच्छा। तो गाइस, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्हें ले जाने में। जिस दिन रिक्शे वाला नहीं आता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे। तो मैं छुड़वाने का तो कोई नहीं, सुबह इनके पापा छोड़ाते हैं, पर लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। काश रिक्शे वाले भैया आ जाए ना, फिर हम गोल मार्केट में घूमते हुए चीज लेते हैं आएंगे। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ मतलब स्कूल से आने के बाद। तो गाइस, हम हो गए हैं रेडी। अब दोपहर के बज रहे हैं 12:30। तो आज जायना का कहना पूरा हो गया कि रिक्शा वाले भैया ना आए, तो इत्तेफाक से रिक्शे वाले भैया ही नहीं आए आज। तो गाइस, बस टाइम के टाइम सिर्फ वो, इनके पापा भी नहीं थे। तो खैर, इनकी मैम है, हमारी फ्रेंड भी है, तो उन्होंने फिर, उनकी कॉल आ गई, उन्होंने बोला कि इनके पापा इन्हें लेके जा रहे हैं, तो आप बच्चों को भी इनके साथ भेज दो। मैंने सोचा चलो ये छोड़ आएंगे और मैं ले आऊँगी। तो बहुत अच्छी, माशाल्लाह समीर भाई बहुत अच्छी आदत के हैं, वे ऐसा ही करते हैं, जब कुछ वो नहीं होता तो छोड़ आते हैं। और फिर मतलब दोनों में, हमारे दोनों में ही ऐसा रहता है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो हम कर लेते हैं, हमारे साथ होती है तो वही कर लेते हैं बिना कहे। तो गाइस, ऐसा होना चाहिए कि स्कूल में महल्ले के दो तीन बच्चे, ये भी सही है, चलो भाई एक के साथ प्रॉब्लम है दूसरा हेल्प कर दे, ऐसा होना चाहिए। तो गाइस, बस अब बच्चों को लेने जाऊंगी। मतलब जायना को ये हो रहा था, ऐसा होता है, अब रिक्शा से आते हैं तो सीधा आ जाते हैं, और मेरे साथ बाहर कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ होती है तो वो फिर मुझसे ज़िद करके वो ख़रीदते हैं। तो इसीलिए आज ये मूड हो रहा था कि आज रिक्शा वाले भैया ना आए, आज अल्लाह मियाँ ने उनके सुन लिए है। चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चों को मन भी करता है मम्मी पापा के साथ आने के लिए। तो गाइस, बस चलते हैं, तमन्ना के साथ चलते हैं, उन्हें लेकर आते हैं, टाइम हो रहा है स्कूल का, मिलते हैं आपसे। गाइस, फाइनली हमने बच्चों को ले लिया है। नबिया, हाय, मस्ती करते हुए कैसा लग रहा है नबिया? हमें फाइनली जल्दी रिक्शा मिल गया है ना, वरना काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है। वो मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाय करो, कितना
वैसे भी बहुत हो कपड़ों की शौक। कैमरा हिला, इतना अच्छा रश है कपड़े वगैरह का। जाते हुए भी इतना जाम है तो हुई है बैठे। फ्रूटी पी ली, दुबू तो ठंडा हो चुका है फ्रूटी पी के। यहाँ पे कावड़ का वो लगा था, देखना कितनी रिक्वेस्ट कर रही है पैन के लिए बेचारी ट्रैफिक में, लेकिन कोई भी गौर नहीं कर रहा है। देखो ये ले रही है पैन, 10 रुपीज़ का पैन होता है, ले ले तो क्या हो जाए इतना धूम में, मतलब देख रहे हैं खरीदा नहीं। फाइनली घर पे आ गए हैं बच्चों को लेके। ओ नो, इतना जाम, जाते भी जाम आते भी जाम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। असल में ऐसा होता है सारे स्कूल एक ही टाइम पे छूटते हैं, कुछ तो रिक्शा, बच्चों की इस कदर भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मुझे बच्चों को लाने में यही दिक्कत होती है, मैं बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ। तो बस चलो भाई, रिक्शे वालों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है, बेचारों को कुछ हो गया होगा, वरना वैसा ऐसा करते नहीं है, लेकिन आज पता नहीं इत्तेफाक से ऐसा हो गया। चलो ये हो, उनको ये सोचना चाहिए कि पहले ही बता दें कि हम आएंगे नहीं। असल में ऐसा हो गया जब हाथों हाथ फिर एकदम मना करते, आज ऐसा हुआ नंबर भी नहीं लगा उनका, पता नहीं क्या हो गया कुछ नहीं, बस वो खैर वो जल्दी जल्दी हो गए। तो होती तो है खैर, हर किसी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये होता है कि अगर जो हमें नहीं बच्चों को भेजना होता है, मैंने कहा चलो वो इतना दूर आएंगे तो हम कॉल करके मना कर देते कि आज हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, तो लेकिन रिक्शा वाला वो जो होते हैं भैया, इन्हें भी सोचना चाहिए, बता देना चाहिए कि हम आएंगे या नहीं। चलो कोई नहीं, उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी। तो गाइस बस गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हवा भी है, लग भी नहीं रही है। ये देखो हमारा बिट्टू, ये कह रहा है कि हमें ले लो, आज ये दिखाई नहीं दिए हैं, कहे मैं आओगे देखो कैसे आते हैं ये। आओ 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 आओ, देखो एकदम कितने देर से छुटे हुए हैं ये ये देखो राजधानी पे चढ़ेंगे, राजधानी पे मानी मानी देखी, नो नो बस किसी। हाय बोलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप? गाइस को हाय बोलो, हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय बोल दो। गाइस मेरे पीछे ये ऐसे पड़ा रहता है, बस इसके इसे किसी तरीके से मुंह में चाहिए है, क्या करते हो इसका गंदू, इसी की वजह से आता है मेरे पास बस। वो बुला रहे शोभी अप्पी, जाओगे जाओगे, शुक्र है जल्दी उतर गए जल्दी उतर गए, काटी 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 करोगे गंदी बात, टुकू थोड़ा ही है। हाय बोलो, बोल दो हाय, ओ भूखी लग गई है, भूखी लग गई है, चलो खा ले। ओह ओ है नहीं इसमें गंदू, तो गाइस देखो कहाँ पे फेंका है, नहीं इसमें थोड़ा सा कम होगा तो ये बच्चों जैसी हरकतें करता है जब इसे थोड़ा सा दिखाई देता है ना तो ये करते है नीचे फेंक दे उसे, बदतमीज सा ये बच्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस बस चलिए मिलते हैं आपसे, थोड़ा बच्चों को लंच वगैरह कराते हैं, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह उतारें, थोड़ा इन्हें वो करें तो देखते हैं।
तू मीटू कितना गुस्सा करेगा मैं हूँ मीटू मीटू कौन है मीटू तुम हो मैं हूँ बताओ कौन है मीटू मैं मीटू कौन है मीटू 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 कौन है तुम हो मैं हूँ मीटू कहियो अभी कहाँ निकल हाँ मीटू कौ मीटू मीटू कौ हाँ मीटू कौन है मैं मीठू मैं तो गुस्सा करे अगर जो कोई से कहते मैं यूं कौन है मीठू बताओ तुम हो या मैं हूँ हाथ लगा के साहब मैं हूँ मीठू और क्या नहीं मैं हूँ मीठू कितना गुस्सा करे मैं हूँ मीठू कौन है मीठू तुम हो नहीं मैं हूँ मैं तो मीठू मीठू मैं धमकाता भी है मीटू कहो मीटू कौन है मीटू कौन है मीटू मैं हूँ मीटू कौन है मीटू सो गाइस अब रात हो चुकी है और अब रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मम्मा सो गई है और ये कुजारा सोया नहीं है क्योंकि ये शैतान आत्मा है और वे दोनों भी नहीं सोई हैं सेम टू यहाँ पे नहीं सोई है और गाइस हम बच्चे इसलिए नहीं सोए हैं बिकॉज कल मेरा गाइस बर्थडे है एंड आई एम सो एक्साइटेड बट नॉट बी मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बर्थडे पर ज़्यादा मैं इसीलिए नहीं हूँ अब पता नहीं क्यों एंड तो मैं देखती हूँ कल मेरा दिन कैसा जाएगा ये हैप्पी बर्थडे जाएगा या सैड बर्थडे या नॉर्मल बर्थडे और गाइस इस व्लॉग को अब यही एंड करते हैं आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और गाइस आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएंगे जब हम आपा जान का फेस रिवील करेंगे तो जो जो आपा जान का फेस रिवील देखना चाहता है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए ओके बाय अल्लाह हाफिज़